Yes. Hello students, good morning. Today we will discuss about the chapter 6, our organ system. Chapter 6, our organ system, part 1. In your book, there are two parts, part 1st and part 2nd. Today I will discuss with you part 1st, our organ system. In previous classes, you have already known about the organ systems. There are different types of systems in our body. For example, respiratory system, circulatory system, nervous system, muscular system, digestive system, and in the last, the skeletal system. Today, we will discuss about the digestive system. Every system has different type of organs. And each organ has a specific, a particular work in that system. For example, in the digestive system, there are different types of organs, in stomach, esophagus, etc., intestine, etc. So, first of all, we will discuss about the digestive system. Our organ system is the digestive system. Student, digestion starts in our mouth. Digestion का प्रोसेस हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है. सबसे पहले जब हम अपने माउथ में कोई भी फूड पार्टिकल रखते हैं तो हमारे गले के नेक के दोनों साइड में there is a two glands which is known as the salivary glands. वहां से saliva secrete होकर के हमारे माउथ में आता है जो हमारे फूड पार्टिकल्स को थोड़ा सा गीला कर देता है और फिर जो हमारे माउथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर टाइप्स ऑफ टीथ द नेम इज द इंसीजर इंसीजर केनाइन प्रीमोलर एंड मोलर वी हैव फोर टाइप्स ऑफ टीथ Yes, we have four types of teeth. These are front teeth. We have front four teeth. It is called the incisors. Front teeth, number one, incisors. These are 1, 2, 3, 4. ये टू टी यस दिस आर इट इज दिस इज इंसीजर 1, 2, 3, and 4 दिस इज इंसीजर इंसीजर द फ्रंट टी एंड द साइड्स ऑफ द फ्रंट टी देयर इज टू टी टू शार्प टी या तुम कह सकते हो थोड़ा नुकीले होते हैं उनको हम बोलते हैं केनाइन्स तो सेकेंड नंबर का हो गया केनाइन्स अब केनाइन्स के बाद दो लेफ्ट साइड में टू टीथ लेफ्ट साइड में एंड टू राइट साइड में यानी कि फोर टीथ जो होते हैं वो प्रीमोलर लास्ट वन इज द मोलर सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टीथ नंबर वन इंसीजर नंबर टू केनाइन नंबर थ्री प्री मोलर एंड नंबर फोर इज मोलर मोलर हमारे लास्ट के टीथ होते हैं लास्ट के सिक्स टीथ जो होते हैं थ्री राइट साइड एंड थ्री इन द लेफ्ट साइड They are the molars. Or then premolar
कैनाइन के, कैनाइन के ठीक नीचे, कैनाइन टू टीथ होते हैं और प्री मोलर जो होते हैं जो फोर टीथ होते हैं, इंसीजर 40, कैनाइन 2 टी, प्री मोलर 4 टी एंड मोलर आर द 6 टी। ये हमारे इतने ही अपर जानवर होते हैं और उतने ही टी लोअर जानवर होते हैं। हम माउथ में जो ऊपर नीचे के जो दोनों जांच होते हैं, ये हमने एक जांच की पोजीशन दांत की बताया, लेफ्ट और राइट दोनों की। अब एक दांत का ये टी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एवरी टीथ हैज 3 पार्ट, मेनली 2 पार्ट्स। एवरी टीथ हैज मेनली होते हैं। एक नंबर 1 क्राउन एंड नंबर 2 रूट। यस सीनियर, दिस इज द पोर्शन क्राउन और फिर क्राउन के बाद बिलो द क्राउन देयर इज रूट। क्राउन टीथ का वो टूथ का वो पार्ट होता है, क्राउन टूथ का वो पार्ट होता है जो हमको, जो हमारे जांस में दिखता है ऊपर से, उसको हम कहते हैं क्राउन। और रूट, रूट किसी भी टीथ टूथ का वो पार्ट होता है जो कि पल्प गम के नीचे होता है, जो हमारे गम के ऊपर होता है वो पार्ट कहलाता है क्राउन। और जो पार्ट गम के नीचे होता है, अंदर होता है, उसको बोलते हैं रूट। अब इन दोनों के बीच में भी एक छोटा सा स्पेस होता है, छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट। ये सीरियल इन दोनों के बीच में जो गम के ऊपर और नीचे होता है उसके बीच में थोड़े से पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं नेक्स्ट। यस इफ यू हैव बुक, यस दिस वन, दिस इज द क्राउन पोर्शन, दिस इज द क्राउन एंड अबव द गम एंड दिस इज द रूट बिलो द गम या अंडर द गम। ठीक है, अब इन बिटवीन दिस, इन बिटवीन दिस टू पार्ट, बिटवीन द क्राउन एंड द रूट देयर इज अ स्मॉल स्पेस, इट इज कॉल्ड द नेक ऑफ द टी। अब टी जो क्राउन होता है वो हार्ड पार्ट होता है, वाइट होता है और इसके ऊपर एक इनामिल होती है, एक तरह की कोटिंग होती है, एक पतली सी परत चढ़ी होती है जिसको बोलते हैं इनामिल। और ये क्या करता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ये इनामिल जो है वो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। जो दांत हमको बाहर दिख रहा है वो उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, उसको हम बोलते हैं इनामिल और ये बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है। उसके नीचे फिर आता है डेंटाइन और ये डेंटाइन जो है, ये सीरियल डेंटाइन, ये लेयर अंडर द इनामिल, बिल्कुल इनामिल के नीचे की जो पार्ट होता है। ये सारे पार्ट गम के ऊपर होते हैं, ये पार्ट होता है, ये दिस इज द डेंटाइन। अब उसके बाद स्टार्ट हो जाता है रूट का पार्ट। टूथ का जो रूट का पार्ट होता है वो स्टार्ट हो जाता है गम, जो हमारे गम के अंदर होता है, जो दे होल्ड द टीथ इन देयर प्लेस। और ये
क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये हमारे मसूड़े जो होते हैं वो दांत को अच्छे से पकड़ के रखते हैं, दे होल्ड द टीथ। अब उसके बाद इन दोनों के बीच में, रूट और क्राउन के बीच में एक पल्प का पार्ट होता है जो थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, बहुत ही हार्ड नहीं होता है और गम की तरह बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट नहीं होता, वो थोड़ा सा इन दोनों के बीच का पल्प जिसको कहते हैं पल्प। ये सीरियल, दिस इज द पल्प, दिस इज द डार्क पोर्शन। ये डार्क पोर्शन क्या है, इट इज द पल्प जहां से नर्व निकल करके गम में जाती है। इट इज द पार्ट अंडर द डेंटाइन एंड इट इज द सॉफ्टेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ। पल्प इज मेड अप ऑफ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। जो हम दांतों में ब्लड वेसल्स होती हैं और जो नर्व्स होती हैं वो पल्प के रीजन से निकल के जाती है। ये सीरियल किस पोर्शन, वहां से नर्व्स और ब्लड वेसल्स पल्प में निकल करके वहीं से जाती है और पूरे मसूड़े में, पूरे गम में फैल जाती है। तो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंगल टूथ, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल टूथ एंड दिस इज द पोजिशन ऑफ द एंड दिस इज द पोजिशन ऑफ द टीथ इन आवर माउथ। Incisors, then canines, then premolars and molars. मगर जब हम बच्चे होते हैं तब हमारे हमको ओनली 12 teeth वी है। अब फिर आ गया दिस केयरिंग ऑफ टीथ। अगर हम अपने टॉपिक इज द केयरिंग ऑफ टीथ। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी मस्ट गुड केयर ऑफ आवर टीथ। हमको अपने दांतों की अच्छे से ब्रश करना चाहिए। आफ्टर ईच एंड एवरी मील वी शुड ब्रश आवर टीथ एंड एट द बेड टाइम वी शुड आवर टीथ। इट इज वेरी नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट बिकॉज देर आर सम पार्टिकल्स ऑफ फूड, कुछ जो हम खाना खाते हैं उसके बाद जो कुछ पार्टिकल्स जो छोटे छोटे से बहुत ही बारीक होते हैं वो हमारे दांत के बीच में क्या हो जाता है, वही स्टिक कर जाते हैं, वहीं पर वो फंसे रह जाते हैं, चिपके रह जाते हैं। तो हमको हमेशा उनको ब्रश से साफ करना चाहिए ताकि उसमें कोई बैड स्मेल ना आने पाए। तो हमको अच्छे से ब्रश करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा कोई शार्प चीज़, बहुत ही हार्ड चीज़ हमको अपने दांत से कभी काटना नहीं चाहिए। अब उसमें क्या होता है, कैविटी बन जाती है। जैसे हम बहुत ही कोई मीठी चीज़ों को खाते हैं एंड आफ्टर ईटिंग द स्वीट वी कांट ब्रश एंड वी कांट गार्गल, तो हम क्या करना है उस टाइम क्या होता है, वो मीठी चीज जो होती है वो हमारे दांतों पर चिपकी रह जाती है और हमको महसूस नहीं होता है कि हमारे दांत पे कुछ लगा हुआ है। और फिर क्या होता है, वो दांत के कलर को चेंज कर देता है। इसलिए हमको हमेशा कोई भी मीठी चीज खाने के बाद हमेशा ब्रश करना चाहिए। और इस तरह से वहां पर बारीक बारीक से बैक्टीरिया आ जाते हैं और हमारे दांतों में कैविटी बन जाती है और फिर वी सफर। फिर है फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। यस, सी दिस फिगर, द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टॉक अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन कौन से ऑर्गन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं या कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। सबसे पहले टंग, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है टंग। ये फिर माउथ, माउथ में डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला पार्ट आ जाता है माउथ, यही से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और माउथ में क्या होता है, टीथ होता है और टंग होता है। टंग क्या करता है, हमारे जो कुछ भी हम खाते हैं जो फूड पार्टिकल्स होता है उनको इधर उधर करने में हम टंग की हेल्प लेते हैं।
ताकि और क्रीम क्या करता है उसको अच्छे से ग्राइंड करता है। फिर उसमें मिल जाता है सलाइवा जो उसको अच्छे से बहुत ही सॉफ्ट बनाता है और उनको स्वेलो करने में आसानी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ, देन माउथ होल्ड द टंग एंड द टीथ। फिर नेक्स्ट पार्ट आ जाता है ये सलाइवरी ग्लैंड, आई टोल्ड यू अबाउट द सलाइवरी ग्लैंड। फिर नेक्स्ट आ जाता है ये ग्लैंड क्या, फिर इसोफेगस, एक लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं इसोफेगस। ये इसोफेगस जा करके ओपन हो जाता है स्टमक में, दिस इज द स्टमक। ये इसोफेगस जो ट्यूब होती है वो स्टमक में आकर के ओपन हो जाती है। फिर स्टमक के थोड़ा सा ऊपर साइड में एक ब्राउन कलर का आर्गन होता है जिसको कहते हैं लीवर, दिस इज द लीवर, दिस इज द लार्ज ग्लैंड, दिस लार्ज ग्लैंड इज कॉल्ड द लीवर। ये लीवर, लीवर में एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। यस, सी दिस, दिस इज द लीवर पोर्शन, दिस पोर्शन इज, इट इज द लीवर। अब लीवर में सबसे पहले ये फूड पाइप और इसोफेगस, यहां पर फूड पाइप में नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। इसमें क्या होता है, सिर्फ हमारा फूड पार्टिकल्स होता है वो स्वेलो करके आता है कहां पर, स्टमक में। स्टमक में जब आता है तो यहां पर डाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यू रहता है। अब जो पहले तो डाइजेशन हो गया सलाइवरी ग्लैंड से मिलकर के माउथ में जो चीप फूड थे जो हमने पचाया था वो सारे मिलकर के सलाइवा से फिर इसोफेगस से होते हुए स्टमक में आ जाते हैं। तो स्टमक में, अब ये स्टमक होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक थैले लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें सारा फूड आकर के स्टोर तो नहीं होता है, वो डाइजेशन वहां पर दो तीन तरह का डाइजेशन होता है। और फिर फूड यहाँ से होता हुआ पतला सा एक ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं यहाँ पर ये ड्यूओडेनम, इट इज नॉट मेंशन हियर बट आई टोल्ड यू कि इट इज द ड्यूओडेनम। उसके बाद ये सीरियस, फिर इसके बाद आ जाता है यस, इफ इट इज क्लियर टू यू देन सीरियस यस, एंड आफ्टर दैट स्टमक के बाद आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। फ्रॉम द स्टमक द फूड देन पासेस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द क्वाड ऑर्गन, ये क्वाड ऑर्गन, ये दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पूरे हमारे स्टमक के नीचे जो पोर्शन है जिसको हम पेट का हिस्सा कहते हैं वहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो पूरे में घूम करके क्वाड होकर के ये स्मॉल इंटेस्टाइन वर्क होती है। यहाँ पर क्या होता है, जो कुछ भी हमने खाया, जो भी हमने लिया माउथ से लेता हुआ इसोफेगस से होता हुआ यहाँ पर आकर के फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन जो होता है, जो न्यूट्रिएंट होते हैं जो डाइजेस्ट हो चुके होते हैं वो वहाँ पर एब्जॉर्ब, थोड़ी चीजें वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर ये जाकर के ब्लड में जाती है। फिर नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, दिस वन, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन आकर के फिर रेक्टम में आकर के बाहर को घूमती है और जिससे हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट बाहर किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है एंड रिमेनिंग वेस्ट क्या हो जाता है, वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो दिस इज द होल डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में फिर लास्ट में रेक्टम में एनस होता है, ये एनस, एनस से वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। अब डाइजेशन, जो कुछ भी हमने लिया, जो कुछ फूड पार्टिकल्स वॉट एवर आई, तो ये जो कुछ भी खा लिया यहाँ से होता हुआ यहाँ पर आता है, फिर लीवर से गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर में यहाँ से फिर डाइजेस्टिव जूस निकलता है जो इंटेस्टाइन में जाता है और खाने को डाइजेस्ट करता है, और फिर डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसमें आकर के
वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और भी कुछ अगर कुछ बचा है वहाँ भी एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट जो कि यहाँ पर आते आते वेस्ट प्रोडक्ट लार्ज इंटेस्टाइन में इकट्ठा होने लगते हैं और फिर ये वेस्ट प्रोडक्ट रेक्टम से होते हुए रेक्टम वाले पोर्शन में आते हैं और फिर वहाँ से आकर के ये एनस से बाहर को निकाल दिए जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड नाउ वी विल स्टार्ट अप रेस्पिरेटरी सिस्टम। यस टुडे आई विल डिस्कस विथ यू पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड।